हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं क्रोम डोर हैंडल्स लगाने वाला हूँ अपने वेन्यू S1.2 पेट्रोल में। तो मैंने ऑर्डर किया था अमेजोन से फॉर 700 रुपीज। मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ जैसा आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छी और टाइट पैकेजिंग के साथ मुझे ये डिलीवर हुआ था प्रोडक्ट। और अगर बात करें फिट एंड फिनिश की तो वो तो आप देख ही सकते हैं। ये अपना पीछे वाला हो गया। अब एक ओवरऑल लुक ले लो गाइज, ये काफी अच्छे लग रहे हैं। तो यार गाइज, आज की वीडियो में हम यही करेंगे और इसे लगाएंगे, फिर आपको पता चलेगा कि आपको कैसे लग रहे हैं ये वेन्यू S1.2 पेट्रोल में, क्योंकि शायद से क्रोम डोर हैंडल्स आपको SX या फिर SX प्लस में देखने को मिलते हैं। तो मैं ये लगाने से पहले आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप एक बार इन्हें ठीक से रख के देख लें अपने डोर के हैंडल पे कि ये प्रॉपरली फिट हो रहे हैं या नहीं आपके कार में, क्योंकि मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। मैंने ये ऑर्डर किया था जब पहले बार, तो मैंने 3 डोज में ये लगा दिया था और 4th में ये प्रॉपरली फिट नहीं हो रहा था, मतलब डिफरेंट साइज में आया था। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप ये डायरेक्टली टेप निकाल के लगाने से पहले आप एक बार रख के चेक कर लें कि ये आपके कार में के डोर के लिए फिट हो रहा है या नहीं। तो इसमें 3M की टेप दी होती है, डबल साइड टेप दी होती है, तो अगर आप डायरेक्टली इसे लगा देते हैं और फिर आपको निकालना पड़ा तो भाई पंगे हो जाएंगे, सच कह रहा हूँ, क्योंकि 3M टेप तो आपको पता ही है काफी अच्छी पकड़ होती है उनकी। तो एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूंगा, चारों डोर हैंडल्स आप प्रॉपरली क्लीन कर लें अपने कार के। मैंने अभी अपनी कार पूरी तरह से वॉश की है, बट फिर भी मैं ये फिक्स करने के पहले एक क्लोथ से क्लीन कर लूंगा अपने डोर हैंडल्स। और फिर कुछ नहीं करना है आपको, आपको जस्ट टेप का वो कवर निकालना है ऊपर का और पुट इट प्रॉपरली, क्योंकि एक बार लग गया तो फिर ये निकालने में बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई। प्लीज़ मेक श्योर आप ठीक से इसे प्रेस करें लगाने के बाद। फाइनली मैंने चारों क्रोम डोर हैंडल्स लगा दिए हैं जैसा आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं मेरे अकॉर्डिंग। काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, प्रीमियम लग रहे हैं। उस तरफ के पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी फिलहाल मैं पूरी तरह से ये नहीं कह सकता कि ये क्रोम डोर हैंडल्स काफ़ी रिलायबल हैं और इनमें कोई डैमेज नहीं होगा, तो इस पर एक लॉन्ग टर्म का वीडियो मैं ज़रूर बनाऊंगा कि आपको ये लेना चाहिए या फिर नहीं, और कैसी इनकी क्वालिटी और कैसी इनकी फिनिश है। बट फॉर नाउ, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, यू कैन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर लो इफ़ यू वॉन्ट टू सी कंटेंट लाइक दिस। अब यहाँ तक देख लिया तो कर ही लो, और कमेंट करना मत भूलना कि कैसे लगे आपको क्रोम डोर हैंडल्स मेरे कार में। तब तक के लिए बाय बाय।